शुरू हुए और तकरीबन हमने एक वेबसाइट भी दी थी, चूँकि पोर्टल को बार बार कहा जा रहा था कि पोर्टल पे मसला आ रहा है, तो वहाँ भी कुछ 40 से 50 हज़ार नौजवान रजिस्टर हुए, तो तकरीबन 10 लाख नौजवान जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पंजाब से 6,26,000 के करीब नौजवान रजिस्टर हुए हैं, इसी तरह 1,46,000 के करीब सिंध से और 1,36,000 जो हैं वो हैबर पख्तूनख्वा से हुए हैं। तो तमाम सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने भरपूर शिरकत की है। और मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ 3G या इंटरनेट का इशू ना होता तो और बहुत बड़ी तादाद, या अगर हम SMS कोड से करते तो पाकिस्तान के नौजवान तैयार थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है कि बहुत बड़ी तादाद में टाइगर फोर्स में प्रोफेशनल्स जो आए हैं, 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, 1,33,000 के करीब सोशल वर्कर्स आए हैं, इसी तरह 50,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तकरीबन 40,000 डॉक्टर्स पूरे टीचर्स पूरे पाकिस्तान से उन्होंने खुद को रजिस्टर किया है, इसी तरह 17,000 के करीब 16-17,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने खुद को एज ए वॉलंटियरली रजिस्टर किया है। तो बहुत बड़ी तादाद लॉयर्स, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से जो हमारे जवान हैं। और फिर अगर आप तलीमी मैदान में देखें तो पोस्ट जो हैं डॉक्टरेट, MPhil, मास्टर डिग्री होल्डर्स बहुत बड़ी तादाद में, BCom, BS, तो मैं इन तमाम पढ़े लिखे नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद को रज़ाकराना तौर पे एज ए वॉलंटियरली कौम के लिए, मुल्क के लिए, खिदमत के लिए पेश किया। इनके जो TORs हैं, जो बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान को और सेक्रेटरी टू CMs को, गवर्नर्स को, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो हमारी प्रायोरिटी है कि अगले हफ्ते से ही सबसे पहले हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हमें ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इनको जिम्मेदारियां सौंपने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पहले भी वज़ीर आज़म बता चुके हैं, जो सेकंड हमारा टारगेट है, जैसे कि एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार मज़दूर जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, जिनके पास बैलेंस नहीं था, या वो ऐसे मुस्तकीन एहसास के जो मोबाइल ऑपरेट करना नहीं जानते थे, तो ये टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला अपने अपने इलाकों में 8171 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें भी मदद करेगी। तीसरा, लॉकडाउन या एक्सट्रीम कर्फ्यू की सूरत में, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, राशन घर घर पहुँचाना जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे कि वान में भी जब उन्होंने कम्प्लीट लॉकडाउन किया, कर्फ्यू किया, तो वहाँ नौजवानों ने इसी तरह वॉलंटियरली लोगों के घर खाना पहुँचाया, देन होम क्वारंटाइन की बात की जा रही है और बहुत दीगर चीज़ें, तो वो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हैं जिस पे टाइगर फोर्स ने काम करना है वो तमाम सूबों को भेज दी गई हैं, जो यहाँ मीडिया के दोस्त बैठे हैं आप लोगों से भी शेयर कर दी गई हैं। अगर कोई भी नौजवान उन तमाम कोड ऑफ कंडक्ट्स की वायलेशन करेगा तो उसको हम टाइगर फोर्स की मेंबरशिप से भी मंसूख किया जा सकता है। देखिए, जो सबसे अहम बात मैं करना चाहता हूँ, जब का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, तो एक कंट्रोवर्सी मैं देख रहा था मीडिया पे भी, अपोजिशन पे भी की जा रही थी कि जब पाकिस्तान में जी बलदियाती अदारे मौजूद थे, बिलखसूस पंजाब की बात की जा रही है या दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जो टाइगर फोर्स है ये एक एडिशनल सपोर्ट है, ह्यूमन सपोर्ट है सिस्टम में। और आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फैसले की पहली कामयाबी ये है, पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल एक स्टैंड बाई फोर्स तैयार है, जिसको आप NDMA के साथ, हमारी अजीम पाक फौज के साथ, जो हमारे फ्रंट लाइनर डॉक्टर नर्सिस हैं उनके साथ, इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इंशाल्लाह ताला वो तैयार हैं और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरतानिया, उनका हेल्थ सिस्टम भी हमसे बेहतर है, उनका डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी हमसे बेहतर है। है।
देखिए जी, जहाँ तक SMEs की बात है, आपको पता ही है कामयाब जवान प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का जो था, उसके दो टीयर्स थे, 1 से 5 लाख और 5 से 50 लाख। तो मौजूदा कोरोना क्राइसिस को देखते हुए एक नया टीयर ऐड किया गया था, जो किया गया है 50 लाख से 2.5 करोड़ का। 50 लाख से 2.5 करोड़ का टीयर कामयाब जवान प्रोग्राम में ऐड ही इसलिए किया गया है, जो हमारा SME सेक्टर है उनको कोरोना क्राइसिस में, देखें दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। एक तो उनको अपने वर्किंग कैपिटल में, जैसे कि पिछले 1-1.5 माह से बिल्कुल तकरीबन कारोबार बंद हैं, इसी तरह अपने पेरोल्स और जो उनके लेबर है या उनका स्टाफ है उसे मेंटेन करने के लिए फंड शॉर्ट हो जाने हैं। तीसरा, अगर जैसे वेंडर्स हैं उनके, वो भी अगर 1.5 माह से काम बंद था तो लोग तकाजा करेंगे कि अगर आपने आगे काम को लेके बढ़ना, तो 3-4 एक सीरियस हमारे SME सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स नजर आई। उसके अलावा जो इनके फंड्स के इशू थे वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल कर दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है फंड्स जो थे इनके रिबेट की शक्ल में, सेल टैक्स की शक्ल में, DLT की शक्ल में वो दे दिए गए हैं। और जहाँ तक इनको एक फंड फ्लो में प्रॉब्लम आने का चांस था, उसके लिए ये कामयाब जवान का टीयर बनाया गया है ताकि ये उससे फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा जो 50 बिलियन रुपीज़ हैं, हमाद अज़हर साहब उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अगले चंद रोज़ में वो उसका एक ज़बरदस्त प्लान जो है वो अपने कारोबारी भाइयों के सामने रखेंगे। तो कौम, मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ, बिलखसूस जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे SME सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको इस कोरोना क्राइसिस में तन्हा नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को जिस हद तक मुमकिन होगा सपोर्ट किया जाएगा। देखिए ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये अपना अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने अजला में डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके जो एहसास का थर्ड टीयर है जिसमें 35 लाख के करीब जो मुस्तक लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पे मैं ज़ोर दे के बात करना चाहता हूँ कि कोई शख्स भी, अगर डॉक्टर सानिया मिर्ज़ा भी चाहें, सॉरी डॉक्टर सानिया निश्तर भी चाहें, वो या मैं खुद उस्मान डार, हम लोग उस डाटे के साथ प्ले नहीं कर सकते। वो इतना ज़बरदस्त स्कोर कार्ड बनाया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि जो भी उसको मीट करेगा, जो भी उसका मुस्तक होगा उसको ही पैसे दिए जाएंगे। तो ये अगर कोई PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले या दीगर से ऐसी जमातों के लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो भी समझते हैं कि उनके इलाके में ये मुस्तक शख्स है तो इसको एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलने चाहिए, तो वो भी आगे बढ़ें। ये वक्त सिर्फ आगे बढ़ के काम करने का है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, एनार्की फैलाने का नहीं है, अफरा तफरी फैलाने का नहीं है। ये वक्त है मिलके काम करने का और कौम को, पाकिस्तानियों को होप देने का।